हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, ये मेरे प्लांट काफ़ी दिनों से बाहर पड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक, और देखिए पड़े पड़े कितने फ्लावरिंग दे रहे हैं। और इससे भी एक बढ़िया बात मैं आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये नोवा तंजानिया है सीड ग्रोन। ये करीबन दो प्लांट देखिए, दोनों 3 महीने होने आए हैं बाहर पड़े पड़े अपरूट किए हुए। और ये रूट ट्रेंड ग्राफ्टेड प्लांट है एक मेरा, ये देखिए इसका रूट देखिए। और ये सभी ब्रांच पे मैंने मल्टीपेटल ग्राफ्टेड किया है, सिंगल ही। मैं मल्टीपेटल ग्राफ्टिंग में अलग अलग कलर ग्राफ्ट नहीं करता, सिंगल ही करता हूँ। उसका बेनिफिट मैं आपको कभी आगे बताऊंगा। ये देखिए एक अरेबिकम ECMK है ये। और ये जो हमने अपरूट किया था वो। और ये देखिए दोनों नोवा तंजानिया काफ़ी दिनों से बाहर पड़े हैं और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। और इसके रूट्स आप देखोगे तो पड़े पड़े ही इसमें नए रूट्स आने लगे हैं, देखिए। और ये प्लांट देखिए, इसका कोडेक्स काफ़ी श्रिंक हो गया है। अभी मुझे जो आप लोगों को बताना था वो बात ये है कि ये देखिए, इसमें पड़े पड़े ही सीड पर पोलिनेशन हो गया। ये मैंने मैनुअल पोलिनेशन नहीं किया, अपने आप पोलिनेशन हुआ है, और वो भी बाहर पड़े प्लांट में। ऐसा क्यों हुआ वो मुझे पता नहीं। जब ये पॉट में था तब मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी पोलिनेशन हुआ नहीं। शायद हो सकता है प्लांट को बाहर पड़े पड़े ऐसा लगा हो कि अब हमारा वक्त आ गया, इसलिए उसने खुद ही सीड प्रोड्यूस कर दिए। तो एक अच्छी टेक्निक है। ये देखिए, ये सभी प्लांट भी बाहर पड़े थे अपरूट किए हुए, लेकिन इसको अभी मैंने 10-15 दिन पहले रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन अभी देखिए, किसी को भी मैंने वाटरिंग नहीं दी। जो ये वाला प्लांट है और ये वाला प्लांट, इन दोनों को मैंने पहले रिपोर्ट कर दिया था। तो इसमें देखिए इस तरह से ग्रोथ शुरू हो गई है, तो मैंने इसको वाटरिंग कर दी है, लेकिन ये सभी में अभी तक नहीं की। और ये प्लांट देखिए, ये सीड पॉड मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये भी बाहर पड़े पड़े पोलिनेशन हो गया था। ये वाइट ज़ॉम्बी का प्लांट है, इसका सीड पॉड देखिए अब कितना बड़ा हो गया। और इन सभी में जैसे ही नया ग्रोथ शुरू होगा मैं वाटरिंग शुरू कर दूंगा। और देखिए इसमें टॉप फ्लावरिंग हो रही है, ये ब्लैक RCN है। इन सभी को मैंने बाहर इसलिए रखा था ताकि जो बारिश में ये प्लांट रोट ना हो, कोई नुकसान ना हो। ये सभी मदर प्लांट है और इसको बारिश के पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कुछ महीने बाहर रख दूँ ताकि इसको रेस्ट मिल जाए, आराम मिल जाए, ताकि नेक्स्ट सीजन में जो है वो फ्लावरिंग अच्छी दे। लेकिन ये बाहर पड़े पड़े ही इसमें सभी में बर्ड्स आ गए और फ्लावरिंग शुरू हो गई, तो मैंने सोचा इसको रिपोर्ट कर दूँ। ये देखिए सभी में बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। तो अभी इसमें एक दो महीने, कम से कम मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ही सभी में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, वरना अभी मेरा 1 महीने और बाहर रखने का प्लान था। और ये देखिए मेरे रूट ओवर प्लांट। एक्चुअली इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, टावर फॉर्म और रूट और प्लांट के लिए जो है सिर्फ हाइट पे पॉट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं, ये एक टेक्निक होती है। इसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके अच्छा प्लांट होगा। देखिए ये प्लांट कितना अच्छा है मेरा। और ये भी देखिए बहुत अच्छी तरह जा रहा है, और मैंने 2-3 और प्लांट बनाए हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद मैं इसका वीडियो आपको टेक्निक के साथ अपलोड करके दिखा दूंगा।
और भी देखिए ये सभी प्लान मैंने अभी अभी फ्रेशली रिपोर्ट किए हैं। ये मल्टीफ्लोरम और सोमालियंस का प्लांट है, इसकी हाइट काफ़ी बड़ी है, 4-5 फुट के सभी प्लांट है ये। तो बस आज का ये शॉर्ट वीडियो है इतना ही। देखिए ये ब्रांच ग्रोन प्लांट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो एडेनियम रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। देखिए हमारे और भी नए सीडलिंग इस साल के जो है काफ़ी पड़े हैं, अभी रिपोर्ट करने हैं मुझे, लेकिन बारिश की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। ये स्वाजिकम है सीडलिंग्स और ये हैबिटेट कलेक्टेड सीड्स के हैं, इसको रिपोर्ट करने हैं लेकिन अभी मैं रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये देखिए एक, मैं इसे मेडुसा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।